हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे आप सभी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ हेयर डाई की, नेचुरल हेयर डाई की, जिसको हम घर में बनाएंगे। लेकिन मैं फर्स्ट बार इसको ट्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसकी मैंने जो वीडियो देखी, करोड़ों में, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैं आज इसको ट्राई करने जा रही हूँ और आपके सामने जो है लाइव लगाऊंगी, दिखाऊंगी और उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी जो भी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कामयाब होती है ये डाई या नहीं होती है, ये तो बाद में आगे पता चलेगा। वीडियो में बने रहिए एंड तक, ताकि आप हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो वो आप देख सकें, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाल हमारे ब्लैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ली है यहाँ पे हल्दी, और जो हम रोटी बनाते हैं वो तवा लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच हल्दी ली है। तो हल्दी को हमें भूनना है और गैस को हमें एकदम से स्लो फ्लेम पे रखना है, और इसको चलाते हुए हल्दी को हमें एकदम से ब्लैक करना है, भूनना है। जब तक ये ब्लैक हो जाए तब तक हमें भूनना है। गैस का बहुत ध्यान रखना है, स्लो फ्लेम पे ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए हल्दी का हमारा हल्का सा कलर जो है चेंज हो गया है, और धीरे 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 इसी तरीके से हम इसको चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे जब तक ये ब्लैक नहीं हो जाती है। तो हमारी हल्दी का काफ़ी कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसको और भूनना है जब तक ये पूरी तरह से ब्लैक नहीं हो जाएगी। तो देखिए इसी तरीके से हमें चलाते हुए भूनते रहना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि जल जाएगी, बस भूनते रहना है ब्लैक होने तक। जलाना ही तो है हमें, बस इस तरीके से मतलब भूनना है। ऐसे नहीं है कि तेज़ गैस पे एकदम से जला दो, वो नहीं करना है। तो देखिए हल्दी हमारी भुनने पे आ चुकी है, ब्लैक हो चुकी है। थोड़ा सा अभी हमें और ब्लैक करना है इसको, पूरी तरह से जब ये ब्लैक हो जाए। तो ये देखिए अब पूरी तरह से ये ब्लैक हो चुकी है, ये डाई फॉर्म में आ चुकी है। तो अब इसको हम हटा लेंगे गैस से, और थोड़ा सा चाय का पानी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है गैस पे, और इसमें मैं चाय की पत्ती ऐड करूँगी एक चम्मच। जो चाय आप पीते हैं घर में, बस वही पत्ती ऐड करना है, कोई अलग से पत्ती नहीं है। जो भी चाय पीते हैं, कोई सी भी ब्रांड की पीते हैं, बस वही पत्ती हमें ऐड करना है। पानी को अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है, और उबाल आने के बाद भी 5 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे बॉईल करना है। पानी बॉईल हो चुका था तो मैंने हटा लिया था, ये ठंडा भी हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। तो अब हम जो हमने हल्दी भून के रखी है वो लेंगे, और वो पानी जो चाय का बनाया है उसको लेंगे, और हम इसमें मेहंदी को घोलेंगे। मेहंदी आप जो भी यूज करते हो, मैं नूपुर का यूज करती हूँ, तो जो भी आप मेहंदी यूज करते हो उस मेहंदी का घोल बना के रख दीजिए। लेकिन मेहंदी का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेहंदी में आजकल कलर आ रहे हैं। तो जो भी मेहंदी आप यूज कर रहे हैं वो विदाउट कलर होना चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेहंदी को मैंने मिक्स कर दिया है, घोल दिया है अच्छे से। और इसी तरीके से आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी बाल के लेंथ के अकॉर्डिंग मेहंदी को घोलना है। उसके बाद इसको ढक के रख देंगे रात भर के लिए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में। तो इसका ये जो कुछ कलर है कुछ इस तरीके से हो गया है। अब मैं इसको करूँगी बालों में अप्लाई, बालों में लगाऊँगी, पूरे बालों को कवर करूँगी। तो मैं साइड में क्लिप लगा रही हूँ। देखिए मैंने बालों में अप्लाई कर लिया है इसको, और 2 घंटे मैं इसको लगा के रखूंगी। उसके बाद मैं सादा पानी से हेयर वॉश करूंगी, शैम्पू नहीं लगाऊंगी। उसके बाद फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि क्या रहता है। तो देखिए मैंने 2 घंटे बाद अपने बालों को धो लिया था, हेयर वॉश कर लिया था। तो साइड में आप देख सकते हैं मेरे बालों में कोई कलर नहीं आया है। मेरे बालों में जो कलर आया है वो मेहंदी का कलर आया है, ब्लैक कलर नहीं आया है। तो ये जो डाई है ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, कि गलत रिजल्ट क्यों देते हैं। जो रिजल्ट आए वही देना चाहिए। तो मैंने आपको वही बताया है जो मेरा आया, मेरे बालों में जो कलर वो मैंने आपको दिखाया बताया।
तो मुझे लगता है कि गलत नहीं बताना चाहिए। और ऐसी वीडियो पे करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस पे व्यूज आ रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो है फेक है, तो ये डाई वो डाई। तो जो भी रिजल्ट था मैंने आपके साथ में शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा सच बोलना आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।